नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। श्री देव नारायण धर्मराज मंदिर पर हुआ कथा का आयोजन। श्री देव नारायण धर्मराज मंदिर, जो लगभग यहाँ के पुजारी बताते हैं 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ की कुछ विशेषताएं, जो भी मुराद यहाँ पर मांगी जाती है वो पूरी होती है। नए दूल्हा दुल्हन जोड़ों के लिए शादी विवाह की पत्र भी देखी जाती है। ग्राम सिंगाड़िया पिपलिया के नागरिकों द्वारा एक सराहनीय कार्य मंदिर पर किया गया। एक भव्य कथा का आयोजन रखा जो 7 दिनों तक लगातार चला, जिसमें आसपास की पंचायत से जैसे बरलाई, भमेश्वर, सिंगाड़िया, पिपलिया, पालड़ा, चचोर आदि जगहों से जनता ने आकर कथा का लुफ्त उठाया। और टकरावत की श्री महाराज द्वारा मुखारविंद से आज 15 तारीख को कथा पूरी हुई, प्रसादी के साथ पूरा होती हुई। मुख्य कार्यकर्ता सिंघानिया पिपलिया के ग्रामीण जन राम प्रसाद जी रावत का सराहनीय सहयोग रहा। दशरथ मालिक, रिपोर्ट। नाम बताइए। नाम प्रसाद जी। ये देवनाड़ मंदिर के यहाँ पे जो कथा चल रही है सर, कितने दिनों से चल रही है? 7 दिवसीय कथा थी जो 9 फरवरी से चल रही है, जो आज 15 फरवरी को पूर्ण होती है। श्री मंदिर कितना पुराना है सर? ये तो सर लगभग बता दें कि जिस समय देवनाथ भगवान का जन्म हुआ था उस समय देवनाथ ने यहाँ पर विश्राम लिया था। जो अपने ननियार जा रहे थे देवास, उस समय यहाँ रात रुके थे। जो कथा यहाँ पे चल रही है, जो पंडित जी हैं कहाँ के हैं? और ये अर्जुन जी भारद्वाज अपने टकराद वाले गुरु जी हैं, इनके द्वारा। सर आपके यहाँ जो कथा चल रही है ये लगभग कितने दिनों से चल रही है और कितने गांव के जनता यहाँ पे देख आई है? जी सर, ये 9 फरवरी से चल रही है कथा, और यहाँ सभी आस पास की जैसे पालड़ा पंचायत, पिपलिया पंचायत, चतुर पंचायत से डूरेगढ़ी कारड़िया सल्लो चौक के नागरिक आ रहे हैं, सभी धर्म का लाभ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज रावत। भैया, इस मंदिर की क्या विशेषता है, कुछ विशेषता बताओगे आप? यह मंदिर यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे स्वयं भगवान देवनारायण जी विश्राम लिया था। और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ पे कोई भी अपनी मनोकामना लेके आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और पाती भी मिलती है, जो अपने आप इनके सिर से नीचे आ जाती है, पाती उनको पाती मिल जाती है।